अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सैयद करम अली शाह बुखारी के दरबार पे हाज़र हैं और हाज़री देने आए हैं। उसके हम एक गद्दी नशी से पूछते हैं, कुछ हमें भी उनके बारे में बताए, कोई करामात के बारे में बताए और कब से वहाँ पे यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए हैं और इनका ख्याल कर रहे हैं और क्या यहाँ करते हैं और उनकी करामात के बारे में कुछ बताएं। जी बाबा जी, चार महीने हो बाबे जी बदल जो दुआ दर्जन अल्लाह दरबार बाबे दरबार बाबे पूरी तरह इन्हां दे बारे जो कुछ तुसी जानते जे तुसी ओ बयान करो, कोई करामात कोई तुसी देखी है। हाँ, वो बयान थी बाबे दरबार जी, मैं इतने आया इतने फर्श नहीं पाया सी, अच्छी छत नहीं पाई थी, मैं बाबे दी दुआ थी बाबा जी अच्छी छत पाया जाए, फर्श पाया जाए। बाबे रहने ने महीने के बीच में छत भी पवा दी थी, अपने फर्श भी पवा दी। आप यहाँ रहते हैं, आपको खाने पीने की कोई तकलीफ़ होती है या कोई परेशानी होती है तो आप कहाँ से खाना ला के, कौन खाना आपको ला कर देता है? नहीं, मैं आप जाना है तो बंदे आते हैं मनी नाले पैसे दे जाते हैं, लंदर पा जाते हैं, मैं जाना होटल दिया रोट ले खा लेना। तो इसके अलावा भी आप कोई काम करते हैं या आप इधर सिर्फ इसकी सफाई सुथराई के लिए? आपके बच्चे भी होंगे? नहीं जी, मेरी शादी, आपकी शादी नहीं हुई तो आप दिन के वक्त इधर होते हैं, रात के वक्त किधर होते हो? घर और कोई काम नहीं करते हो, तो बस इधर ही आ जाते हो? तो आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर आपके बच्चे होते तो फिर आप ऐसे तो नहीं यहाँ गुजारा करते होते, कारोबार करना पड़ता था। तो इधर आपको तो कोई सोने के लिए भी मुझे दिखाई दे रही है, अभी दरबाएँ सारा वीरान इलाका है, लेकिन रात को आप अगर सोना पड़ जाए तो आप कहाँ भी सोते हैं? नहीं तो बारिश हो तो फिर आप कैसे सो सकते हैं? तो आपका नाम क्या है? सैयद करम अली शाह बुखारी के बारे में कुछ बताया और चार माह से इधर आप हैं। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एम अली आर्ट को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि हम आइंदा भी ऐसी वीडियो लेकर आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। खुदा हाफिज़।